तो किसी खेत में उसको साइड साइड में देता है, साइड साइड में, या फिर आप अरहर लगाया तो उसमें डाल दिया। तो कुद्रुम का जब परिपक्व हो जाता है, जब उसका फल आ जाता है, तब बाकी फसल काटने के बाद कुद्रुम को थोड़ा काटने के बाद इसको पानी में डाल दिया जाता है, पानी में गलने के लिए, खराब पानी में कैसे नदी नाला में डाल दिया जाएगा, कम से कम 15 दिन कुद्रुम को मकई से पहले। हाँ, कुद्रुम बाद में होगा, मकई पहले होगा, मकई होगा। कुद्रुम इसलिए लगाते हैं, मानते हैं कि कुद्रुम बकरी वगैरह खाएगी ना तो पेट खराब हो जाएगा, तो इसलिए उसको बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए मेड़ में कुद्रुम लगाया जाता है। 15 दिन पानी में रखना पड़ता है, 15 दिन कम से कम। उसके बाद 15 दिन जाके देखा जाता है, जब वो फूलने लगा, हाथ से छूट जा रहा है, तब इसको छुड़ाने का है कि पानी से निकाल के खड़ा कर दिया गया, तो पानी पूरा झड़ गया, पानी झड़ने वाला सिर्फ उसका जो लास्ट है ऊपर का रेशा, ऊपर का एक जगह पकड़िए और ऐसे खींच दीजिए, तो जो सन जिसको सन एक हाथ में आ जाएगा और उसका डंटल रहेगा, डंटल सनसनाटी हम लोग बोलते हैं, सनसनाटी बोलते हैं, सनाटी बन गया, जो सनटी उसको खींचते हैं। इसका जलावन का जो गाँव में तो हर समय माचिस रहता नहीं है, पर एक माचिस जला दिए तो बहुत जलेगा, तो थोड़ा सा तोड़ के उसको जला दिया, फिर लकड़ी दे दिया, तो वो बहुत आग इधर से उधर ले जाने का काम आता है। एक चीज बता रहे हैं कि कुद्रुम का जो फूल है ना, उसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत वैल्यू है, मशरूम जैसे ही, मशरूम जैसा कॉर्पोरेट, खाया जाता है ना, खाया जाता है, और हम लोग उसको 1500 रूपए किलो सूखा हुआ दिल्ली में, दिल्ली हाट में बेचे हैं। उसका अच्छा, क्यों 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 उसका है कि एक तो चाय में पीते, चाय पीते हैं उसको, और उसका पाउडर बना करके शुगर, फल फल कुछ उसमें कुछ एल्कलॉइड्स या कुछ कुछ होगा जरूर, मतलब ये पता नहीं है, हम लोग जानेंगे, वो अभी हम लोग रिसर्च नहीं किए उनके ऊपर, आप लोग उसके बारे में सर्च करेंगे ना। फल और पत्ती दोनों इस्तेमाल, पत्ती का तो साग खाते हैं, और जो पिंक कलर का वैसे मैरून कलर का है ना, तो उसको छाया में सुखाया जाता है, तो छाया में जब सुखाएंगे बीज निकाल के, उसका टेक्निक है वो करने का, पीछे से काटेंगे ना और ऐसे करेंगे तो बीज निकल जाएगा और फूल वैसे ही रहेगा, और छाया में सुखाएंगे तो वो कलर जस का तस रहेगा, तो उसको फिर पैक करके और वो बाहर जाता है फॉरेन कंट्री में। उसका एक तो चाय में डाल के पीते हैं, शुगर के लिए बोलते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाता है, फिर इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, शुगर वाले उसको पीते हैं, और हेयर कलर में यूज होता है, एशियन कंट्री उसका चटनी बना के, चटनी किशोरियों के लिए खटाई खाने का जो होता है, ये सबसे कुद्रुम का फल खटाई खाना है, एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए वो खटाई, उसके साथ मिर्च देके खाना है, मिर्च और खटाई आप अलग से, फिर सूखने के बाद उसका सत्तू बनाया जाता है, शुगर वाले उसका, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये कॉर्कोरस स्पीशीज कहते हैं हम लोग बोटानिकल टर्म में, हिंदी में आप कुद्रुम बोल सकते हैं। उसका क्या होता है कि स्टेम का, उसका स्टेम का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पूरा का पूरा पौधा ही इस्तेमाल किया जा रहा है, पत्ते का साग भी, पत्ते का साग बन रहा है, उसका फल आप खा रहे हैं, मतलब कुजींस में, और साथ ही साथ उसका जो जलावन है, जलावन में काम आ रहा है, फिर जो बच गया उसका अंदर से सब चलाते वो निकल जाए, उसका प्रोडक्ट बन रहा है, रस्सी भी तो बनता है उसका, रस्सी रस्सी ये वही तो, ये जो है ये वाला ना सुतरी जिसको बोलते हैं, ना ना ये नहीं, ये तो नारियल एक्वायर हो गया है, व्हाट आर यू उनको स्पेशली ये हार्ट होता है, हाँ 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 रस्सी सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे बेस्ट उसका ब्रश भी इसी से बनाता है, इसी से कुची जिसको बोलता है, और बोरा किसे बनता है, बोरा जो एक बोरा आता है इस टाइप का जूट, इसी से अच्छा वो अलग कुद्रुम से अलग है, वो जूट है, उसका इधर खेती नहीं होता, दुबाव क्षेत्र में होता है, बिहार में, बांग्लादेश बंगाल का पानी पानी दुबाव क्षेत्र में अच्छा उसका ये इसका खेती होता है, और सबसे ज्यादा आपको बता दें कि बांग्लादेश में आपका बांग्लादेश में पूरा उत्पादन बांग्लादेश में था, और फैक्ट्रियों में तो बच जाने के बाद वो भी खत्म, ये भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल।